स्टूडेंट वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ए के पब्लिक स्कूल बकार हम लोग क्लास एट का चैप्टर टू पढ़ रहे हैं इसका नाम मोर ऑन एक्सर टू थाउजेंड थर्टीन है हम इससे पहले हम लोग प्राइमरी की के बारे में पढ़े हैं कैसे इसको लगाते हैं कैसे हटाते हैं और आपका कैसे आप लुकअप ऑफ रिजार्ट में आपका एक फील्ड में ऐड करते हैं इसमें हम लोग फील्ड प्रॉपर्टीज प्लेन के बारे में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं creating a design on the table in the design view you must have a notice that the field properties plane has appeared in the lower half of the screen you can use the it to control data entry entered in the field and the appearance, ऑफ डाटा ऑन द स्क्रीन इट ऑल्सो अलाउस योर एसफाई कंटेंस फील्ड कैटिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज फॉर एग्जाम्पल साइज फॉर्मेट इन वैलवेशन एंड रूल्स एक्सेस्ट्रा फील्ड प्रॉपर्टीज आपको देखे होंगे कि आपका हाफ ऑफ स्किन के नीचे जो आता है एम्प्लॉ के जैसे हम लोग डाटा टेबल बनाए उसके नीचे आपका फील्ड प्लेन आता है दिखे इसमें क्या क्या रहता है दिखाते हैं इसमें साइज आता है फॉर्मेट और उसमें क्या कर? इसके डिटेल हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे फाइल साइज फाइल फाइल साइज क्या होता है फील्ड साइज दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा स्टोर इन द टैक्स और नंबर फील्ड मैंने इसमें टैक्स और नंबर कितना हम लोग डाट ये आपको फील्ड साइज में दिखाता है फॉर टैक्स डाटा द फील्ड साइज डिटमाइंड द मैक्सम नंबर ऑफ कैटर कैरेक्टर द शॉर्ट टैक्स डाटा टाइप हैज़ मैक्म टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव कैरेक्टर देखिए इतना हमको पता है कि हम पता चलिए कि, कि अगर शॉर्ट टाइम लेंगे तो टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव आपका पहले ही बता चुके हैं कि इसमें शॉर्ट टाइम में इतना ही हम लोग वर्ड लिख सकते हैं वो फिल साइज में आपको दिखाता है इससे ज़्यादा आप लिखेगा तो वो आपका कितना लिखे वो आपका फिल साइज में दिखाएगा चलिए अब क्या Field और नंबर डाटा फील्ड साइज डिटर्माइंड द रेंज और हाउ मनी बाइट्स कैन बी यूज़ फॉर स्टोरेज देखिए इसे फील और नंबर लिखिएगा तो उसमें दिखाई कि तो वो बाइट की तरफ दिखाएगा कि कितना बाइट वो रेंज है उस वो उस नंबर का स्टोर करता है वो फॉर्मेट क्या है दिस इज स्पेसिफाई हाउ डाटा विल डिस्प्ले कि वो दिखाता है कि डाटा कैसे डिस्प्ले हो नंबर ऑफ करेंसी फॉर्मेट इट अलाउ यू टू चूज दैवन पी डिफरेंट फॉर्म्स दैट इज जनरल नंबर करेंसी यूरो फिक्स स्टैंडर्ड पेसेंट एंड साइंटिफिक यानी आपको वो आपको नंबर किस तरह का कहना है यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए कस्टमर फॉर्म ये कस्टमर फॉर्म भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसमें हम लोग नंबर दिखाता है करेंसी यूरोप ये बहुत सारा और सब फॉर्मेट का दिखाता है इसमें हम लोग इससे भी ये यूज करते हैं डाटा एंड फॉर्मेट क्या होता है इट अलाउ यू टू सेलेक्ट प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ द डाटा एंड डे डेट फॉर्म फॉर्मेट फॉर डेट एंड टाइम जनरल डेट लॉन्ग डेट मिडिल डेट और शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट टाइम मिडिल टाइम और शॉर्ट टाइम ये आपका दिखाएगा फॉर्मेट किस टाइप का फॉर्मेट उसमें चाहते हैं जैसे आपको डेट का लॉन्ग चाहिए मिडिल चाहिए वहाँ से हम लोग शेयर करके चेंज कर सकते हैं और देखिए लॉजिकल फॉर्मेट फॉर्मेट कहता है डिफ़ॉल्ट तो डिस्प्ले इट यस नो और अदर पेपी डिफाइंड फॉर्मेट टू लॉजिकल डाटा आर ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ देखिए इसमें क्या होता है लॉजिकल डाटा में हम लोग क्या देता है इसमें यस और नो और आपको फॉल्ट ऑन ऑफ देता है दिखाता है इन मार्क्स यू कैन यूज इट टू सेट द डिफरेंट फॉर्मेट फॉर डाटा इंट्री फॉर एग्जाम्पल द इनपुट मार्क्स फॉर ए फोन नंबर कुड बी कुड बी अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया फोन नंबर हम लोग इनकुड कर सकते हैं अब कैम कैप कैप्शन <coughs> अब ये क्या है यू कैन यूज़ इट टू गिव द फील्ड और ए मोर एक्सपनोटोरी नेम इट कैन कंटेंस टू थाउजेंड फोर्टी एट कैरेक्टर्स मैंने ये कितना आपका वर्ड लिखा जाएगा मैंने वो फील्ड का कोई एक्स्ट्रा नेम या कुछ और देना चाहिए तो हम इससे ये ऑप्शन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट दिफ, वैल्यू क्या होता है दिस वैल्यू इज़ ऑटोमेटिक फील्ड इन द फील्ड फीलिंग इन द फील्ड विथ योर योर एड ए न्यू रिकॉर्ड टू द टेबल मैंने डिफ़ॉल्ट में वैल्यू का ये कह सकती है ऑटोमेटिक फील्ड हो जाता है फील्डर में फील्ड में जो आपका न्यू रिकॉर्ड का रहता है टेबल में अब वैलिडेशन क्या होता है रूल क्या होता है यू कैन यूज इट लिमिट वैल्यू डेट द फील्ड इज एक्सेप्टेबल कितना लिमिट वैल्यू आपको फील्ड में एक्सेप्ट कर सकता है वो आप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यूशन रूल ऑफ द फील्ड इज ये क्या ग्रेटर फिफ्टी इट मीन्स डैट द फील्ड मस्ट बी कंटेन या वैल्यू लेस देन इक्वल टू जैसे इक्वल टू द फिफ्टी इफ़ यू इंटर द ए वैल्यू वैल्यू ग्रेटर देन फिफ्टी यू विल गेट एरर मैसेज अच्छा इसका मैंने होता हम लोग इतना ही वैल्यू कहीं में हम लोग चूज़ कर सकते हैं मैंने इक्वल है चाहिए फिफ्टी का या आपका फिफ्टी से फिफ्टी तक होना चाहिए अगर इससे ज़्यादा होगा तो वह आपका एरल मैसेज दिखाएगा अब क्या है इन वैरिक टेस्ट क्या होता है यू कैन टाइप द एरल मैसेज इन दै इन इट डेट वुड अपेयर वन द वैल्यू इंटर इन ए फील्ड वैल्यूट एंड वैलिडेशन रूल अच्छा कुछ वही तो आपका जो अपेयर होगा मैसे, मैसेज जो आपका है वैल्यू इंटर करने के लिए वो इनवैलिड दिखाएगा रूल के हिसाब से जो टैक्स के टैक्स में उसको वो भी वही दिखाएगा रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इंटर यस इफ़ यू फील्ड शो ऑलवेज सी ए वैल्यू डूरिंग डाटा इंट्री द इफ़ द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इट इज नो विच मीन्स दैट द फील्ड कैनॉट बी लेफ्ट ब्लैंक अच्छा अगर इसमें यस कर लेंगे हम लोग को रिक्वायरमेंट तो ये आपका क्या होगा हम लोग अलग दूसरे आपको फील्ड को एक फील्ड को छोड़ कर दूसरा फील्ड भी काम करेंगे ब्लैंक रहेगा ना तो ये आपका ये ये हम लोग कर नहीं सकते हैं हम इसमें वहाँ नो लिखना पड़ेगा या यस डी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब है देखिए आपका डिजाइन व्यू में ऐसा रहेगा फील्ड है ये हम लोग लॉन्ग इंग्रेटेड लिखा है फॉर्मेट है डेसिमल प्लेस है ऑटोमेटिक लिखा हुआ है ये इनपुट मास है अब देखिए बहुत सारा आपका यहाँ पर जो पढ़ है वहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इसमें नो लिखा हुआ है।, है आगे हम क्या देखते हैं पढ़ते हैं आगे क्या अलाओ ज़ीरो लेंथ this is properties used to text or mean me, me data uh, types if required is yes and allow zero length it is the number g equal to data must be entered in a field during the data entering if the both properties are set to यस द फील्ड कैन बी लेफ्ट एम टी मैंने इसमें अगर नो डालेंगे तो आपको जी जीवल टू डाटा दिखाएगा इस टेप का आपको दिखाएगा अगर इसमें यस डालेंगे फील्ड क्या होगा लेफ्ट बनाएगा तो कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर कि आप देखिए आपका पीछे से रहे इसे आपका यहाँ पर से हम लोग जर्नल का हम लोग दिखा रहे ऐसे टाइप आता है जो आपका इसमें दिखा दिखाता है देखिए जी यहाँ पर आया ना देखिए इसमें आप क्या आया यहाँ को आया लॉन्ग इन्गेशन आया मैंने हम लोग कितना भी इसका लिमिटेड मैंने जो हम लोग सिक्स सिक्सटी फाइव थाउजेंड कुछ था वो हम लोग वर्ड आराम से यूज़ करते देखिए यहाँ पर जनरल यस लिखा हुआ है ये जनरल टैक्स है यहाँ पर टैक्स का एलाइंस हम लोग जनरल ना हम लोग उसको मिडिल अपर टॉपर ने लिए हैं और देखिए फॉर्मेट उसका ब्लैंक है और कैप कैप सन भी आपका ब्लैंक है कुछ नहीं है इसमें तो ये वाला आपको देखिए इसमें क्या लिखा है इसमें रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट नो है डि, 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 डिफॉल्ट वैल्यू जीरो दिया हुआ है ऑटोमेटिक डिसमिलर लिखा है इनपुट भी कुछ नहीं है फॉर्मेट भी कुछ नहीं है जैसे अब वैल्यूशन रूल भी जीरो है कुछ नहीं है अब यहाँ पर वैल्यूशन टैक्स भी जीरो है कुछ नहीं है इसमें भी रिक्वायर्ड है और इन टैक्स है नो नो है इसमें दोनों में नो है और ये जो टैक्स जो है जनरल में चल रहा है चलिए चलिए ये आला आपका टॉपिक जो है आ, ये, आप फील्ड प्रॉपर्टीज प्लेन जो है कंप्लीट हो गया है आप उसको पढ़िएगा और समझिएगा अगर नहीं समझ रहे तो वीडियो में कमेंट करिएगा थैंक यू